इस वक्त हैं हम अलीगढ़ के पिंजरी पैंट पर और यहाँ आज रागनियों का प्रोग्राम चल रहा है और हमारे साथ हैं प्रख्यात रागनी गायिका राजबाला जी और हम आज उनसे जानते हैं उनके जीवन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं जो अक्सर उनकी रागनी सुनते रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सक्षम न्यूज़ इंडिया के कार्यक्रम में। नमस्कार जी। तो जैसे आपकी जो रागनी के प्रति जो है रुझान हुआ, आपका जो गायन की तरफ रुझान हुआ, ये किस तरह से आपकी शुरुआत हुई? शुरुआत एक बार ऐसे हुआ सर जी कि जैसे कि भी हम किसी जागरण में गए थे तो वहाँ से थोड़ी सी जैसे भी हम बोलते हैं प्रेरणा, भाई जैसे ये लोग गा रहे हैं तो हमने भी गाना चाहिए, और जागरण के माध्यम से ही जागरण लाइन जो होती है, जो भजन संध्या होती है, उस माध्यम से हम बाहर निकले। फिर ऐसे ही भी एक दो साल जागरण किए भजन कीर्तन, तो जैसे अपने साथी कलाकार उन्होंने एक दिन कहा कि चलो राग नहीं गाते हैं भाई स्टेज पर। जैसे हमारे सतपाल मासी जी आज तो हैं हमारे सामने, ऐसे ही बोले चलो रागनी गाते हैं। तो रागनियों की हमारे एक साथी कलाकार हैं भाई सुरेश घोड़ा पलवल से, हमने बैठ के रिहर्सल की, एक दो रागनी तैयार की और फिर स्टेज पर एक दो कार्यक्रम किए, बस ऐसे शुरुआत होते होते। तो ये जो जैसे शुरुआत हुई रागनी गायन की आपकी, कितने साल पहले हुई? काफ़ी समय हो गया है, लगभग 17-18 साल। तो एक सवाल, जैसे आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी हमारे दर्शक भी और जो भी भारत के लोग हैं जो आपकी रागनी सुनते हैं वो जानना चाहते हैं, आप मूल रूप से कहाँ की निवासी हैं? मेरा जो प्रॉपर रियास है वो बहादुरगढ़ हरियाणा जिला झज्जर, जो मेरी ससुराल है, और मायका उसी के पास में सोनीपत ज़िले में मेरा गाँव पड़ता है, एक छोटा सा सरगथल गाँव, वो मेरा मायका है। तो जैसे आपके ससुराल कहाँ पे है? यही प्रॉपर हरियाणा बहादुरगढ़ रियास बहादुरगढ़ में है, उसके पास में ही छोटा सा गांव है, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा गांव है, दुसेरखेड़ी बहादुरगढ़ के जस्ट पास में ही है, लेकिन भाई आधी फैमिली बहादुरगढ़ रह रही है, आधी गांव में रह रही है। तो जैसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जो परिवार में कितने लोग हैं और कौन कौन लोग हैं उनके बारे में बताएं। परमात्मा की कृपा से परिवार काफ़ी बड़ा है, सब हैं भाई, देवर जेठ भी हैं, नंदे भी हैं, और सास ससुर तो अब नहीं रहे हैं, दो तीन साल से मालिक की शरण में चले गए हैं वो तो, और सब परिवार हैं, बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं आपके पास? एक बेटी है। एक बेटी है, क्या करती हैं वो? पढ़ रही हैं। तो जैसे इस रागनी गायन के अलावा क्या आपका अन्य कोई व्यवसाय है या आपके पति जैसे कोई कार्य करते हों? हाँ, उनका अपना भाई बिजनेस है, और मेरा खाली ये शौक ही नहीं, शौक भी है और मेरा काम भी है, ये मैं दोनों में इसको बिजनेस से, हम कोई भी काम करते हैं जैसे हम जिसमें हमारी रुचि हो और वही हमारा कर्म बन जाए तो एक भी अलग बात होती है। तो जैसे भी मेरा शौक था सिंगिंग करने का और इसी को फिर मैंने अपना कर्म बना लिया। जैसे एक कहावत है कि कलाकार हमेशा कभी पैसे का भूखा नहीं होता है, वो तालियों का भूखा होता है, और ईश्वर की कृपा से आपको खूब अच्छी पहचान मिली हुई है, बहुत बड़ी संख्या में आपके प्रशंसक हैं भारत के अंदर जो आपकी रागनियां सुनते हैं। तो जिस समय जब भीड़ आपका स्वागत करती है तालियों से तो कैसा महसूस होता है आपको? वो चीज़ है ना, शब्दों में हम नहीं बयां कर सकते, ये हकीकत बात है कि भाई देखो अपने अपने अपना क्षेत्र होता है, जैसे कला जो रागनी क्षेत्र के जो कलाकार हैं, हमारा जैसे भी हरियाणा है तो हरियाणा की लैंग्वेज अलग है, और राजस्थान तक उधर चले जाओ तो उधर की लैंग्वेज इधर अलग है, और यहाँ यूपी में आ जाओ तो यूपी की तो अलग ही है ही, लेकिन मालिक की ऐसी कृपा रही कि मेरी शुरुआत जो स्टार्टिंग रागनी की शुरुआत हुई और भजन की स्टार्टिंग हुई वो यूपी से ही हुई। जो मेरा पहला कार्यक्रम था वो मेरठ मवाना गाँव है ना जी गुरु जी, यूपी फर्स्ट है, और मालिक की ऐसी कृपा रही कि जब राजस्थान में जाते हैं वहाँ भी लोग बहुत प्यार करते हैं, और यूपी में भी आते हैं तभी, जैसे इतना लंबा अरसा हो गया, 20 साल कम नहीं होते हैं, बहुत लंबा समय हो जाता है, जितना प्रेम पहले श्रोता करते थे आज भी उतना ही करते हैं। नहीं, जैसे आप हरियाणा के अलावा यूपी के अलावा क्या अन्य बाहर भी जाती हैं आप?
दो तीन प्रोग्राम हुए हैं, एक उधर हुआ है गुजरात साइड में और एक सिलीगुड़ी में हुआ था, और जैसे भी चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ भी पंजाब है तो वहाँ भी प्रोग्राम काफ़ी होते हैं। नहीं, एक और एक व्यक्तिगत सवाल है आपका। अपने उससे बाहर नहीं गए हैं? नहीं, जैसे एक महिला के लिए घर संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और ऐसे में आप घर को संभालने के साथ साथ अपना ये जो आपका प्रोफेशन है रागिनी गायन का, तो दोनों कामों में कैसे संतुलन बनाती हैं? शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी आई, लेकिन उसमें जो सहयोग होता है ना, तो मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सहयोग है, उन्होंने संभाल लिया। तो जैसे आपके हस्बैंड हैं, क्या कार्य रहता है इनका? इनका जैसे मेरी अब अपनी टीम है भाई, मैं कार्यक्रम लेती हूँ तो मेरा अपना ग्रुप है, म्यूजिशियन मास्टर हैं भी, कलाकार हैं, तो उनका यही काम रहता है, जैसे बुकिंग लेते हैं भी, बुकिंग कहाँ की हैं, कलाकार कौन लगाने हैं, कहाँ जाना है, वो सब काम इनका रहता है। मेरा इतना रहता है कि भाई मैं जाके गाऊं और वापस आ जाऊं। तो जैसे गायन वाले लोग हैं वो अक्सर, जैसे आप भी रागिनी गायक हैं, तो ऐसे में कभी कभी होता है ये है कि जैसे हमने किसी नेता पे कमेंट कर दिया या किसी पे कोई अपनी उसके द्वारा, तो होता ये है कि कहीं ना कहीं उसमें एक आलोचना या हमें विरोध का भी सामना करना पड़ता है, कभी ऐसा आपके साथ हुआ है क्या? नहीं सर, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, और मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि देखो भाई कलाकार, हमने एक कलाकार है ना, एक ऐसी चीज़ न्यूट्रल होता है भाई, आज वो पार्टी है कल वो पार्टी है, हमने सबके साथ मिलकर चलना होता है, तो मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करती हूँ। जैसे आज आपके कार्यक्रम है और कल फिर मान ले दूसरी पार्टी के आएंगे, तो मैं नहीं करती हूँ, मैं ऐसा ही करती हूँ कि भाई प्रोग्राम एक जैसे मीडियम साइज से, ताकि किसी का भी पक्ष ना लेके ऐसे ही। तो जैसे सक्षम न्यूज़ इंडिया हमारे चैनल के लिए, आप दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ यूपी का है चैनल? नहीं, पूरे ऑल इंडिया है। मैं सभी दर्शकों को पहले तो नमस्कार करना चाहूँगी, प्रणाम करना चाहूँगी, और आप ऐसे ही देखते रहिए, जैसे हम जैसे भी देहाती कलाकार हैं, हमारी जो कल्चर है हरियाणा यूपी होती है, देश देहाती कल्चर है, इसको भी आप बढ़ावा देते रहें, क्योंकि आप अगर नहीं इन कलाकारों को मौका देंगे तो भी कल्चर दबता चला जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी राजबाला जी हमारे साथ में, और इनसे हमने इनके जो व्यक्तिगत जीवन है उसके बारे में दर्शकों तक के लिए भेजा गया। ऋषि सारस्वत, सक्षम न्यूज, अलीगढ़। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।